राम राम जी। मैं लोग दिया स्टेप अप जैसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज आ रहे हैं भाई अपा चमारिया गांव में, यहाँ पे है सतीश नांदल जी का प्रोग्राम। गांव गांव घूम के दौरा कर रहे हैं, वो वोट मांग रहे हैं। तो आज वो अंदर बुजुर्ग बैठे हैं, सतीश नांदल जी आने पहले उन बुजुर्ग का बात करा। हाँ, क्या कहना है उनका? राम राम जी। राम राम जी। आज सतीश नांदल जी आओ जी आपके गाँव में। हाँ जी। तो जी कितना समर्थन दोगे आप अपने गांव का? जी जानता जी तोड़ उडागागढ़ बताया जाओ चमारी यहाँ। तो उडागढ़ ना कोसोगढ़ गाड वो पहला हो लिया पहले। हाँ पहला हो लिया के जी उडागढ़ में दिस्ती सीख रखी है। अच्छा बेरोजगार बैठे। अच्छा जी लागे भाई स्वाद लेकर पिया ले मारा भर गया अंडा नहीं है जिंदो रुपया ना दे। अच्छा मारा पिया ले तो खूब लागो चैन चुन पहन रहे हो लाए तो कोई ना हमने। अच्छा जी राम राम जी। राम राम। आप क्या कहने हैं जी, कैसे एक सपोर्ट मिलेगी उड्डा जी ने? उड्डा ने कम मिलेगी सतीश नांदल जी ने? नांदल ने ज्यादा। नांदल ने ज्यादा। टक्कर का मुकाबला होगा ठीक ठाक? ना मुकाबला नहीं, नांदल जीतते एक तरफा। एक तरफा नहीं जीतते है ना गांव में जीतते है। जीता काटा है भाई जीता काटा है। अच्छा गणी यो तो टक्कर में कौन है भूपेंद्र उड्डा खत्म हो लिया। खत्म हो लिया बिल्कुल खत्म हो लिया। अच्छा हाँ इसने जो चोरी चकारी कर रखी थी वो सब उजागर हो रही है। अच्छा। लोगों ने इसका पूरा 10 साल युद्ध तो खड़ के देख लिया। पहले भी पहले इसकी बाट बन थे कई प्लान लागे रहे किमें किमें आया आओगा करेगा करेगा आया जब वो जोड़े वाले थे वो जोड़े वाले के काम कर दिए। अच्छा धन्यवाद जी। तो जी अंकल जी आप तो पूछ लिया आ जाओ पीछे पूछ रहे क्या कहना है जी कितनी वोट जिताओगे इपके नूडा साहब ने क्लोयल के तो ओडला साहब को टिकटा तो नहीं जीत सकता इपको हारेगा। नांदल साहब ने जिताओगे? नांदल को जितावा इपको सवाल में भी नोलो जीते तुम ना कोई नहीं नोलो जीते। अच्छा सीधा साहब है सतीश नांदल बनेगा इपको। सतीश नांदल बनेगा। अच्छा आपका क्या कहना है जी आप भी नोगे सतीश नांदल? बिल्कुल बनेगा जी 101% 101% बिल्कुल। तो भाई देख सको मन तो सवाल भी टेढ़ा पूछ के देखा मोडा साहब ने क्यों कर जिताओगे ये तो पर पकड़ जाए भाई पक्के बीजेपी के सपोर्टर हैं चलो कराएंगे बात। के जी आगे सपोर्टर थे भाई यार आगे देख लिया हमने सीधा बोला कि इनको गिरफ्तार करो। दो दो चार चार आदमी आते ठेका दे दिया गम्मा गिर। अच्छा किस चीज का? किस चीज का? नौकरी लुआण का। अच्छा अच्छा जी उनके लागे हो मतलब भाई पूरा आक्रोश है चमारिया की जनता में उड्डा साहब ने लेके तो देखते हैं कितने गोटा जिताओगे। सतीश नांदल जी सतीश नांदल जी तब करेंगे बात। लेता हुआ मैं निवेदन करूंगा आप सबके सुख दुख के साथी भाई सतीश नांदल जी से एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। माननीय मनोहर लाल जी ने कि अब की बार 75 पार और मेरे भाई भूपेंद्र हुड्डा जी ने परसों टीवी पे एक बात कही मैं नहीं कह रहा उनके साथ अहमद पटेल जी गुलाम नबी आजाद जी तीनों बतड़ाव थे। अहमद पटेल जी बोले भाई हरियाणा में कितनी सीट आऊंगी? मेरे भाई भूपेंद्र बोले 8। बोले 8 बोले हमारे के नहीं अब बोला टोटल बोला 14 पीछे तो 15 थी बोला सुरजेवाला कौन है जीता हारेगा तो एकदम तो वो बोला जब सुरजेवाला हारेगा तो तुमने इलेक्शन लड़ने की जरूरत को नहीं चलो चलते हैं। ये टीवी पर मैं नहीं कह रहा मनोहर लाल खट्टर जी ने नारा दिया अपने नारा दिया कि अब की बार 75 पार और भाई भूपेंद्र जी ने उस पर मोहर ला दी 75 पार की 76 कर दी कि नहीं कर दी 90 में तो 14 घटाई कह बच गई 76 बच गई। आपा भी कहो जनता भी कहो और कांग्रेसी भाई भी कह के उस तो बड़ी कांग्रेस तो कोई है नहीं और गुलाम नबी आजाद से तो ये बात अपने आप में दर्शाती है कि आपका राज पक्का है 100% है। अब मामला ये है राज अब भी है आगे भी राज आपका आएगा लेकिन राज का हिस्सा ऐसा ही रखना चाहते हो या ताकत अपने हाथ में रखना चाहते हो? कागज आपका हो कलम आपकी हो और दस्तक करण की भी ताकत आपकी हो तो अपन हल्का गड्डी सापला कलोई में कमल का फूल खिलाना पड़ेगा।